हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे एमपी की नई वैकेंसी को लेकर। तो दोस्तों, एमपी के ग्रामीण विकास अधिकारी को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एक्टिव हो गई है, तो आप आसानी से दोस्तों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना दोस्तों बहुत ही आसान है, आप घर बैठे इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे या किसी कैफे में जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपके पास एमपी का रोजगार पंजीयन होना बहुत ही आवश्यक है, साथ में आपका एमपी का प्रोफाइल पंजीयन होना भी आवश्यक है, तभी आप दोस्तों यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल पंजीयन दोस्तों यहाँ से बनता है, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसके लिए आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है, वही डाटा दोस्तों सेव आता है प्रोफाइल में। और आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट और एक पीपी का प्रोफाइल टेम्पलेट रहता है, वो आपको यहाँ पर सेट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका एक आईडी नंबर मिल जाती है, तो उस आईडी की दोस्तों यहाँ पर जरूरत पड़ती है फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पर आपको दोस्तों घोषणा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ पर हम क्लिक कर देंगे। तब यहाँ पर उस आईडी को डाल देंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, कैप्चा डाल के दोस्तों यहाँ पे आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए उसमें क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका फॉर्म आ जाएगा, तो फॉर्म भरना दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपकी। इसके पहले दोस्तों आपकी प्रोफाइल दिखाई देंगी, उसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लास चुन लेना है, अगर आप भूत परेशानी के तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे बिना वर्ग पे ऑप्शन क्लिक कर देंगे, जो कि आम लोगों के लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों स्थायी निवासी की आयु सीमा संबंधी छूट जानकारी के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप भूत परेशानी, अगर आप शासकीय सेवा में हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, अगर किए गए तो यस करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर हाँ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अवधि माह में लिखनी होगी इस ऑप्शन में। अब इसके बाद है क्या मद्रास शासन के छठनी सुधा कर्मचारी है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अवधि लिखनी पड़ेगी। अगर आप विधवा परित्यक्ता तलाशुदा तो उसकी जानकारी आप यहाँ देंगे। यह ऑप्शन दोस्तों तभी ओपन होगा जब यहाँ पे आप मेरिड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपका विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछ रहा है अंतरजातीय, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यह ऑप्शन भी जब आप मेरिड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तब यह ओपन होता है, अन्य को यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है कि आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर दोस्तों क्या आप संविदा कर्मी के अनुसार C10 I में आरक्षण लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं चाहते तो नो कर देंगे। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, तो आप यहाँ पे नो भी कर देंगे चलेगा, यस भी करेंगे चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे देखिए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है और नियम पुस्तक के अनुसार इस वर्ग के विशेष लाभ लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको सीधे नो कर देना है। तो इन पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अब यहाँ पर नो कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, अब आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है, यहाँ पे पेपर ग्रुप भी आ चुका है, तो हमें तो यहाँ पर दोस्तों ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी जो योग्यता है वह है कृषि, तो हम कृषि संबंधित है, कृषि इंजीनियरिंग वाले हैं, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अधिक है, जैसे MBA किए हुए हैं, तो आप ए वाला भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पे आप वरीयता क्रम में यहाँ पर आपको जमा देना है, तो हमारा तो दोस्तों यहाँ पे जो है BSc कृषि है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को ही लेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड नंबर वाले को टिक कर देते हैं। यहाँ पे पोस्ट क्रमांक जो है ये 4 है, और यहाँ पे हम दोस्तों थर्ड वाला जो है इसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे। न्यूनतम 60% अंकों के साथ BSc कृषि एंड UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, तो हम इन दोनों को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश का रोजगार कार्यालय का जीएत पंजीयन होना यहाँ पे आवश्यक है, तो हम यहाँ पे हाँ कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों पंजीयन क्रमांक डालेंगे, पंजीयन डेट, किस जिले के लिए आपने पंजीयन किया है, उस जिले का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा, किस जिले का आपका रोजगार पंजीयन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो पूछ रहा है, जैसे कि क्या आपने नियम पुस्तिका पढ़ ली है और आप समस्त शैक्षणिक योग्यता की अर्हता रखते हैं, तो आपको यहाँ पे यस ही करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप दोस्तों परीक्षा शहर चुनेंगे, आप कहाँ पे परीक्षा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके गांव के नज़दीक है, शहर के नज़दीक है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। हालाँकि व्यापों में भी अपने हिसाब से आपको परीक्षा शहर देगा, फिर घोषणा पत्र टिक कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो प्रिंट जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों इस पर आपको एक बार क्लिक करना ही होगा, तभी आप पेमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। पेमेंट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो प्रीव्यू है उसको अच्छे से देख लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या है, इसलिए जो प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रही है।
मैंने काफ़ी यहाँ पे ट्राई किया इसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं हुई है, यहाँ पे रुक गई है। क्योंकि दोस्तों अभी अभी लिंक एक्टिव हुई है, आप जो वीडियो देख रहे होंगे तब तक दोस्तों इसकी लिंक अच्छी तरह से एक्टिव हो चुकी होंगी, आप आसानी से दोस्तों इसका फॉर्म फिल कर लेंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आप में से दोस्तों अधिकतर लोगों को यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन है उसी को बनाने में यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उसका जो टेम्पलेट होता है दोस्तों वहाँ पर जब अपना आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं फोटो साइन वगैरह, तो वो सही तरीके से फिट नहीं बैठता है उसमें जो दिया रहता है। अब वो जरूरी है कि आपका सभी एक ही इसमें आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसके साथ ही दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र है और दसवीं की अंक सूची है उसका भी दोस्तों साइज सेट करना पड़ता है, तभी वो अपलोड हो पाती है, नहीं तो वो नहीं हो पाती। तो उसमें भी दोस्तों काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसको लेकर दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो आप आसानी से दोस्तों साइज सेट कर सकेंगे, आप घर बैठे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर देना। अब हम कल मिलेंगे आपसे, नमस्कार।